हम सेकंड फ्लोर पे आ गए। मैंने आपको जैसे फर्स्ट फ्लोर दिखाया, अब मैं सेकंड फ्लोर दिखाना चाह रही हूँ आपको, सेकंड फ्लोर यहाँ का कैसा है। तो स्टार्टिंग तो पहले कॉमन एरिया से, क्योंकि मैं कॉमन एरिया में हूँ इस टाइम, तो कॉमन एरिया से स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। तो जैसे नीचे भी आपने सोफ़ा देखा तो कॉमन एरिया में हमने दे रखा है, तो यहाँ पे भी बच्चों के लिए हर फ्लोर पे प्रोवाइड कर रखा है हमने। और यहाँ पे इन्वर्टर भी, बाई चांस लाइट चली जाती है, वैसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि लाइट जाती है करोल बाग में, अगर जाती भी है तो भी हमने पावर बैकअप दे रखा है। हर फ्लोर पे किचन प्रोवाइड कर रखा है, किचन भी मैं आपको दिखाने के लिए आ ला रही हूँ। ये हमने प्रॉपर किचन दे रखा है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे है वैसे ही सेकंड फ्लोर पे है। आरओ किचन में प्रॉपर दे रखा है, गैस सिलेंडर चूल्हा सब कुछ है यहाँ पे, फ्रिज भी प्रोवाइड कर रखा है हमने। मैं आपको रूम दिखाऊंगी अभी, पहले आप किचन देख लीजिए। कॉमन एरिया देख लिया आपने, मैं अब आपको रूम दिखा रही हूँ। ये डबल सेटिंग में रूम है, बॉक्स वाले बेड है, स्टडी टेबल प्रॉपर एक बच्चे का सेटअप पूरा है, एक एक बच्चे का। एसी वाले रूम है सारे, वॉशरूम सारे रूमों में अटैच है हमारे। सेकंड रूम दिखा रही हूँ मैं आपको, ये हमारा सेकंड रूम है। जो गर्ल्स अभी स्टडी कर रही है आराम से, उसे भी हमने डिस्टर्ब कर दिया है। वॉशरूम भी है इसमें अटैच, मैं आपको वॉशरूम भी दिखा दे रही हूँ। अब नेक्स्ट रूम चलते हैं हम। ये नेक्स्ट रूम है जो काफी स्पेसियस, काफी बड़ा रूम है। हर रूम के साइज अलग है, डिफरेंट है। ये प्रॉपर टू शेयरिंग में ये भी दे रखा है हमने, इसमें वॉशरूम भी अटैच है, बालकनी भी अटैच है। जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से सारे रूम बने हुए हैं। अलमीरा प्रॉपर एक एक ड्रॉ दे रखा है बच्चों को। तो आपने फर्स्ट फ्लोर का और सेकंड फ्लोर का रूम्स तो देख लिया होगा कि यहाँ के रूम कैसे हैं। तो काफ़ी स्पेसियस अच्छे हैं कि आप आराम से रूम में फील कर सकते हो कि स्टडी कर सकते हो आप। बच्चा 8-9-10 घंटे आराम से स्टडी कर सकता है रूम में, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है रूम में। यहाँ तक कि विंडो भी हर रूम में दे रखा है, जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट। कुछ बच्चों की ना लो बजट की भी रिक्वायरमेंट होती है, उनका बजट इतना नहीं होता है अलाउड, पर उनके लिए भी हमारे पास नॉन एसी रूम है। तो जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी तो उस हिसाब से हमारे पास सारे रूम है। तो जब भी बच्चा दिल्ली में आए तो प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर कॉल कीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं तब भी आपको बताना चाहूँगी, पर नीचे 100 ज़रूर होगा, मैं तब भी आपको बता रही हूँ, 8855112537। इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नाम ज्योति है। तो प्लीज़ जब भी दिल्ली आए तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा।